इसके लिए लेंगे हम राइस। राइस को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, इसे पूरा ना पकाए, थोड़ा सा कच्चा रहने दें। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने दें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और आधी चम्मच पीसी हुई हरी मिर्च। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। अब हमारा मसाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, कैबेज। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हिलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1.5 चम्मच सोया सॉस। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार। मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, 1 चम्मच विनेगर। मिक्स कर ले और 1 मिनट तक और पकाए। राइस रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये था हमारा वेज फ्राइड राइस।